नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून कुमार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीके टेक हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास रॉयल फील्ड क्लासिक 350 BS6। और जैसा कि दोस्तों थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूं। तो टॉपिक है दोस्तों हमारा ये टूल बॉक्स। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक टूल बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाइए कि क्या क्या इसमें टूल्स दे रही है कंपनी BS6 रॉयल फील्ड में, और क्या क्या अंदर इसमें चीज़ें लगी होती हैं, क्या होता है इस डिब्बे के अंदर। सो फाइनली दोस्तों आज मैं इसको करूँगा अनबॉक्स, और जो इसकी टूल किट है वो भी दिखाऊँगा कि कौन कौन से टूल्स हमको कंपनी प्रोवाइड कर रही है हमारे BS6 बाइक्स में। तो आइए पास से इसको दिखाते हैं, और बहुत शॉर्ट और सिंपल वीडियो दोस्तों ये होने वाला है आप सभी के लिए। सो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हमारा टूल बॉक्स लगा हुआ है, इसको करते हैं अनबॉक्स। ये बस खोलने के लिए बहुत इजी होता है, जो आपकी मेन की होती है बस आपको इधर लगाना है साइड में और इसको खोल देना है। खोलने के बाद आप सभी को दिखेंगे काफ़ी सारे वायर्स, रिले और फ्यूज बॉक्स, कुछ बहुत कुछ दिखेगा। तो बारी बारी करके हम आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या इसमें है। तो ये हैं हमारे टूल्स जिनको मैं लास्ट में ही दिखाऊँगा आप सभी को। सबसे पहले मैं बता देता हूं, और मैं जनरली बताऊंगा कि क्या है जो आप सभी को इजीली समझ में आ सके। तो यहां पे दिए हुए हैं कुछ कपलर्स, जो कि अगर आप सभी का ये रिले स्टेशन जो नीचे लगा हुआ है कभी ख़राब होता है तो उसको चेंज करने के लिए होता है, तो इसको डायरेक्ट निकाल के आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लगी हुई हैं रिलेज, ये सारी जो लगी हैं ब्लैक कलर की, ये सारी रिले हैं जो कि लाइट और काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा इंडिकेटर का है शायद, हाँ तो इंडिकेटर वाला रिले लगा हो जो इंडिकेटर का चेन का था, शायद वही है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे हमारा लगा है सेंसर लगाने के लिए, जो यानी ये सेंसर चेक करने के लिए एक कपलर होता है। ये कपलर आप अपनी जो वर्कशॉप में डिवाइसेस होती हैं जो कि बाइक की फॉल्ट्स बताते हैं कि क्या बाइक में क्या फॉल्ट आ गई है, और जो भी इसका रिपोर्ट होता है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे लगता है कपलर, उसके बाद में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो ये BS6 में दिया हुआ है, और ये देख लीजिए इसमें कुल 5 वायर्स दिए हुए हैं कंपनी की तरफ से। और दोस्तों अब दिखाते हैं ये यहाँ पर क्या है। तो सॉरी, ये है इंडिकेटर वाला, वो इंडिकेटर का नहीं था बट ये वाला इंडिकेटर का ही है। तो इसको अभी लगा देते हैं, इसी से इंडिकेटर जो है बार बार फ्लैश करता है। और यहाँ पे हमारा फ्यूज बॉक्स, और जो कि इसी से इतने सारे फ्यूज लगे हुए हैं इसमें। इसमें हमारा चार्जिंग का फ्यूज मिल जाता है जो कि 25 एम्पियर का लगा हुआ है। ये जो 5 एम्पियर का है ये हमारा टेल लाइट का है, जो पीछे की लाइटें हैं उसका ये यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो हमारा 15 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा है इंजन का EFI का, जो 15 एम्पियर का दिया हुआ है, और सिग्नल्स का यहाँ पे दिया हुआ 15 एम्पियर का। उसके बाद में ये है स्पेस फ्यूज़, क्या लिखा हुआ है, हाँ स्पेयर फ्यूज़ दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद में ये लाइटनिंग का दिया हुआ है 15 एम्पियर का। उसके बाद में ये ABS का दिया हुआ है फ्यूज़, यहाँ पे 15 एम्पियर का ये वाला जो फ्यूज है ये भी ABS का दिया हुआ है। और ABS मेन 2 का दूसरा जो फ्यूज है वो 10 एम्पियर का दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। और ABS ECU का जो है वो 5 एम्पियर का फ्यूज़ दिया हुआ है। तो टोटल ABS के ही इसमें हमें 3 फ्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, 5, 10 और 15 वाला। बाकी यहाँ पे 25, 15 और 10 वाले जो ये 3 फ्यूज़ लगे हैं ये स्पेयर फ्यूज हैं, इसका कोई भी काम नहीं। अगर बाई चांस ख़राब होते हैं वाले फ्यूज़ तो रिप्लेस कर सकते हैं इन्हीं को, कहीं भी रोड पे अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कुछ आइटम्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये है हमारी मेन टूल किट, जो कि आप इससे पूरी बाइक को अपनी खोल सकते हैं। ज़्यादातर तो नट्स और बोल्ट्स जो है इसी टूल किट से हमारे खुल जाते हैं। तो इसको देखते हैं खोल के, काफ़ी अच्छी पैकिंग दी है। ये यहाँ से इस तरीके से धागा को खोलना है और ये खुल जाएगा हमारा। और उसके बाद में दोस्तों हमें इसको यहाँ से कर लेना है ओपन, और उसके बाद में एक पॉलीथीन और निकलेगी, ये बैग सी है, इसको साइड में रख देते हैं। और कुछ ज़्यादा ही आइटम दिए हुए हैं, इससे तो लगता है पूरी बाइक ही खुल जाएगी हमारी। सो दोस्तों फाइनली इन जो टूल्स हैं इनको निकाल के अपने सजा लेते हैं अच्छे से, और फिर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है कंपनी। सो दोस्तों अब बताते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों एक चीज़ इस बॉक्स में मिसिंग भी है, वो है हमारी फर्स्ट एड किट। तो जो भी है सामने वो हम दिखाते हैं फिलहाल आप सभी को। तो हमको यहाँ पे मिलती है एक टूल बैग, जो कि पहले ही आप सभी को मैंने दिखा दी है। टूल बैग के बाद में मिलता है हमको बॉक्स स्पैनर 21/24, जो कि रहा हमारा ये वाला। इससे अपना आप
क्या बोलते हैं व्हील जो है वो खोल सकते हैं, इसी की मदद से खुल जाता है। और फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं, हमें एक मिलता है स्क्रू ड्राइवर 6/160, ये वाला देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर हमको मिलता है एक, तो इसको भी रख देते हैं। और फिर हमको मिलता है तीसरे चौथे नंबर पे, वो है डबल इंडेड स्पैनर 14/15। तो डबल स्पैनर है हमारा 14/15 वाला, ये वाला ये स्पैनर मिलता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं और क्या मिलता है, हमें मिलता है डबल इंडेड स्पैनर 10/12 का, ये वाला रहा 10/12 का एक स्पैनर मिलता है। उसके बाद में हमको मिलता है टूल स्पार्क प्लग खोलने वाला टूल, जो कि रहा हमारा ये, और ये देखिए कुछ इस प्रकार का है। उसके बाद में हमें जो है एक स्पैनर और मिलता है 10/12 का, ये देख लीजिए, जो कि ये इसलिए मिलता है कि काफ़ी जगहों पे दो स्पैनर की ज़रूरत पड़ती है एक ही नंबर के, तो उसी लिए 10/12 का मिल जाता है। और उसके बाद में हमको मिलता है टॉमी बार, जो कि हमारा है टॉमी बार ये वाला। इससे क्या है, वेट वगैरह अगर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो टॉर्क ज़्यादा लग जाता है, तो उसके लिए हमको मिलता है टॉमी बार, इसको रख देते हैं साइड में। अब देखते हैं और क्या, तो दोस्तों हमको मिलता है ट्यूबलर स्पैनर 12/13 का, तो ये रहा दोस्तों 12/13 का स्पैनर, गायब नहीं हुआ है, यही है, ये लिखा है 12/13, तो ये स्पैनर है। और फिर दोस्तों हमको मिलता है 17 नंबर का सिंगल इंड रिंग स्पैनर, जो कि ये वाला है, इसको साइड में रख देते हैं। और एक हमको मिलता है एक्सटेंशन ट्यूब, जिसकी मदद से हम और भी टॉर्क जनरेट कर सकते हैं और अपने टूल बॉक्स से जो टूल्स निकले उनकी मदद से काफ़ी सारे नट बोल्ट्स को खोल सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यही सब था इस टूल किट में, जो आप सभी ने देखा क्या क्या हमारा टूल किट में मिला है। बस मिसिंग है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एड किट है, जो कि मैंने बता दिया कुछ ऐसे ही बेसिक सी चीज़ें मिलती हैं फर्स्ट एड किट में। और आगे अगर कहीं घर पे रखी हुई मिली तो आप सभी को मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या होता है वो। तो अब बस इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। और भी दोस्तों कोई जानकारी अगर चाहिए हो तो कॉमेंट करके ज़रूर नीचे बताएँ, ताकि हम उसी पर वीडियो एक बना सकें। धन्यवाद।